मैडम धर्मेंद्र यादव मंच पर आकर चुनौती दे रहे हैं कि मंच पे हमसे बात कर रहे हैं, या आपके पिताजी 2 साल से कैबिनेट मंत्री हैं, क्या विकास कार्य कराया, तो इसका क्या जवाब है? नीचे कर लेना भैया। देखिए, जवाब जनता देगी 23 अप्रैल को। हम प्रत्याशी आपस में मंच पर खड़े होकर के बात करें, आपस में एक दूसरे से नोक झोंक करें, उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आज जो जवाब देती है वो जनता देती है समय आने पर। उपलब्धियां तो बतानी पड़ेंगे। उपलब्धियां गिनाने का ये समय नहीं है। 5 साल तक मोदी जी का कार्य जो हुआ है वो आज जनता के बीच में बोल रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार बने हुए 2-2.5 साल हो रहे हैं, जो काम हो रहे हैं वो जनता के द्वारा बोला जा रहा है। विरोधियों को कुछ मिल नहीं रहा है बोलने के लिए, इसलिए वो वार पे वार कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपनी हार का एहसास पहले हो चुका है। जनता ने हमें आशीर्वाद दिया और मैं यहाँ से सांसद चुनी गई, तो मैं बोलने में नहीं, काम करने में विश्वास करने वाले में हूँ, और मैं मोदी जी की सरकार में रहूँगी सांसद। इसलिए मोदी जी का कार्य हमेशा रहा है कि उन्होंने बोला नहीं है, उन्होंने दलितों, पिछड़ों, गरीबों की भावनाओं को समझा है और उसे ज़मीन पर उतार करके उन्हें आगे बढ़ाने का, विकास करने का कार्य किया है। तो मैं भी उन्हीं की तरह से कार्य को करूंगी और लोगों को आगे विकास की ओर बढ़ाने का कार्य करूंगी। यहाँ पर मैं जहाँ भी गई हूँ, हर क्षेत्र की अलग अलग समस्याएँ हैं। कहीं पर मैं अभी गिन्नौर के एक गांव में गई थी, जहाँ पर काफ़ी पिछड़ा हुआ है, वो लगता ही नहीं कि वो बदायूं में है, जैसे लगता है वहाँ पे आदिवासी लोग रहते हों। आज भी उस गांव की स्थिति ऐसी है। तो अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ें देखने को मिली हैं। तो समय आने पर मैं कार्य के माध्यम से आपको बताऊंगी कि मैंने कहाँ पर क्या किया। विकास के मुद्दे पे लड़ रहे हैं, तो 23 तारीख को जनता बताएगी कौन सा विकास हुआ है। इसमें 5 साल तक इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी रहे हैं, और उन्होंने 5 साल तक लोगों के दर्द, दुख दर्द को समझा है, और उस दुख दर्द को समझते हुए उनकी समस्याओं को समाधान करने का प्रयास किया है, जनता को विकास से जोड़ने का काम किया है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि अभी कोई दिक्कत आनी है। लोग मोदी जी को पसंद कर रहे हैं, मोदी जी के कार्यों को पसंद कर रहे हैं, और मोदी जी को पसंद कर रहे हैं वो पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए। इसलिए जनता सीधे सीधे मोदी जी को वोट करने जा रही है।